तो आज की मॉर्निंग भी हो गई है, न्यू ब्लॉग के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं अभी मेरे नाश्ते में आज क्या है और ब्लॉग में जो भी रहेगा वो आपको दिखेगा, तो मेरे साथ बने रहो। तो आज के नाश्ते में भजिया बनाया है, सुबह सुबह मॉर्निंग में भजिया का और थोड़ा सा चिकन था तो उसको भी वैसे फ्राई कर दिया। देख सकते हमने जा रहा अंडा कड़ी, तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने इसमें भी अंडा फ्राई करके लिया, इसके अंदर ही कड़ी पत्ता डाल दी वो सेम तेल में तड़के के। और ये अंडा कड़ी का मसाला है जिसके अंदर नारियल बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग डालते हैं नारियल, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन मतलब, और थोड़ा सा मिर्ची और टमाटर थोड़ा सा डालते हैं पेस्ट अलग से। तो ये मसाला डालने जा रही है अभी, तो ये पिसा हुआ मसाला डाल दिया। अब इसके अंदर पाउडर मसाला डालना है, तो मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर बस खाली ऐड करके रखी। अब इसको मिक्स करना है, बाद में नमक इसमें डालते और मसाला उड़ रहा है तो अच्छे से भी नहीं दिख रहा है, तो बाद में फिर आपसे बताती हूँ आप और क्या करना है इसके आगे। मसाला थोड़ा सा भुना गया है मेरा, तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने प्यूरी बना के अच्छे से रखी हूँ पूरा। मैंने टोटल बड़े बड़े दो टमाटर डाली थी क्योंकि कड़ी जो थोड़ी सी थिक चाहिए ना, तो वो टमाटर से थिक हो जाती है। तो अब इसके अंदर नमक डालेंगे, अपने टेस्ट से डाल देना आप। तो मसाला एकदम अच्छे से भुन गया, देखो तेल भी ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर आलू डालना है, तो मैंने आलू और अंडे को सॉरी तबीयत ख़राब कर ऐसी आवाज़ भी आ रही है। आलू और अंडे को मैंने अच्छे से फ्राई करके रखे, अभी आलू को कट करके बस उसमें ऐड करना है। इसके अंदर आलू ऐड कर दी हूँ, बस थोड़ा आलू भुनने के बाद इसको थोड़ा सा सालन लगा के फिर इसके अंदर अंडा डालेंगे बस। तो मसाला एकदम अच्छे से भुना गया, मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर अब पानी। पानी डाल के इसको सालन करेंगे बस। तो सालन का कलर देखना और ग्रेवी देखो कितनी अच्छी। अभी तो जस्ट पानी डाली, बॉईल आएगा तो भुनाएगा अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर अंडा ऐड, तो इधर मैंने अंडे को अच्छे से फ्राई करके रखे। अभी इसको अंदर डिप करना है सालन में, ऐसे ऐसे स्लो से डालना है। तो इसको गार्निश करेंगे अभी कोथमीर से। मैंने कोथमीर को काट के पानी में भिगा के रखी क्योंकि उसके अंदर मिट्टी रहती है, तो कोथमीर ऐसे करके मैं इसके अंदर डाल दूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा ऐसे लग रहा है ये पाया के कड़ी है। कोथमीर से मैं बहुत कम गार्निश करती हूँ, बट कोई कोई सालन को करती है, अच्छा लगता है इसलिए। तो अब मैंने इसके अंदर अंडे को भी डिप कर दी थी अच्छे से, देखो अंडा बस बॉयल आएगा तो इसको बंद करना है। सालन ऑलमोस्ट मेरा पक गया है, बस 2-3 मिनट में इसको बस बंद करना। तो चलो फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, फिर देखते कुछ अगर नया रहेगा तो कुछ काम करते क्योंकि अभी बहुत सारा काम बच। तो जैसे कि सबको पता है अभी मुंबई में वायरल बहुत फैला, तो हम लोग घर में भी वायरल अभी हो चुका है। तो इसीलिए मैंने आज आलू चिप्स फ्राई करी मिर्ची वाली और थोड़ी सी पापड़ लम्बी। तो इससे अभी नाश्ता करते, रात हो गई है ऑलमोस्ट 8-8:30 बज रहा है, मगर हम लोग खाने के साथ ये खाएंगे और नाश्ते के तौर पे भी खाएंगे। और अभी बहुत मन था आइसक्रीम खाने का गर्मी की वजह से, तो इसीलिए रात में ही आइसक्रीम है। चलो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब करना।